और बात करते हैं इंदौर की, जहां लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। यहां एक मुस्लिम युवक ने नाम और पहचान छुपाकर युवती से दोस्ती की और पिछले 8 महीने से उसके साथ संबंध बनाता रहा, जिसके बाद रविवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे ऐसा करते हुए धर दबोचा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जब युवती को आरोपी की असली पहचान बताई, तब पीड़िता ने उसके खिलाफ छत्रपुरा थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया। जानकारी के अनुसार छत्रपुरा इलाके के एक होटल में रविवार रात बजरंग दल के पदाधिकारी पहुंचे थे। उन्हें इस मामले की जानकारी होते ही होटल मैनेजर से उनका विवाद और मारपीट भी हो गई। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोपी युवक को पीटते हुए थाने ले गए। बाद में पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने धोखा देकर दोस्ती और रेप के मामले में आरोपी पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में छत्रपुरा TI पवन सिंगल ने बताया कि 20 साल की युवती की शिकायत पर पुलिस ने धार नाका में रहने वाले अनस पुत्र आसिफ अंसारी के खिलाफ नाम बदल कर दोस्ती करने रेप करने के मामले में केस दर्ज किया है। वही TI के मुताबिक पीड़िता हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई। वहीं अनस ने अपना इंस्टाग्राम पर नाम अन्नू यादव बताया था और इसी नाम से उसने युवती से दोस्ती भी की थी, जिसके बाद युवती से उसने कई बार संबंध बनाए। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक के मुताबिक अनस को लेकर उन्हें लगातार जानकारियां मिल रही थी कि वो गंगवाल बस स्टैंड की यशिका पैलेस होटल में लड़कियों को लेकर आता है, जिनमें से ज्यादातर लड़कियां हिंदू धर्म की होती हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। वहीं होटल में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद होटल मैनेजर से भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विवाद हो गया, जिसमें जमकर मैनेजर की धुनाई की गई। वहीं पुलिस मामले में होटल मालिक पर भी केस दर्ज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। अनस अंसारी नाम का एक लड़का है, उसकी उम्र लगभग 20-22 साल की है। होटल में बुलाने के बाद उसको धमकी दी कि भाई हम तुम्हारा जो फोटो है उसको वायरल कर देंगे। उस आधार पर उसके द्वारा उसके साथ गलत काम किया, उसके विरुद्ध भी धारा 376 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसको भी गिरफ्तार किया।